बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। नई जॉब के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, फ्रंटियर कॉप्स एफसी बलूचिस्तान साउथ ने जूनियर कमीशन ऑफिसर जेसीयू की बहुत सारी सरकारी असामियों का ऐलान किया है। रेगुलर बेसिस पे इन असामियों का ऐलान किया गया है, परमानेंट बेसिस पे असामियों का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान के तमाम मर्द हजरात इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं और इसमें जो तालीम रखी गई है वो भी बहुत मुनासिब है। दोस्तों, तालीम की मालूमात, इसको अप्लाई करने का तरीका, कद, उम्र और आपकी वेट कितना होना चाहिए, तमाम तफसीलात इस वीडियो में मौजूद है। वीडियो को सिर्फ आपने आखिर तक देखना है। अगर आप पाकिस्तान आर्मी एफसी फ्रंटियर कोर्स में एज ए जेसीयू जाना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखना है। वीडियो को स्किप ना करें, स्किप करने से बहुत सारी मालूमात से आप मारूम हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि चैनल पर रुकाने की बुनियाद पर पाकिस्तान में आने वाले तमाम जॉब का मुकम्मल रिव्यू पेश करता हूँ, मुकम्मल तफसीलात पेश करता हूँ। चलो चलते हैं जॉब के एडवर्टाइजमेंट की तरफ। जी फ्रेंड, ये एडवर्टाइजमेंट आया है आज ही डेली एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में, 9 जून 2021 को अनाउंस किया गया है। इसमें जो हेडिंग है, भर्ती बैच जूनियर कमीशन ऑफिसर फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान साउथ साल 2021 हो। इसमें बताया गया है कि ये फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान साउथ में एजुकेशन जूनियर कमीशन ऑफिसर की एजुकेशन जूनियर कमीशन की असामियाँ खाली हैं। फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान साउथ की टीम एफ सी बैटल स्कूल खुजदार में 21 जून से 27 जून 2021 तक भर्ती करेगी। उसके बाद मियार दिया गया है भर्ती का, मकाम तैनात फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान साउथ के किसी भी यूनिट में आपको तैनात किया जाएगा। आपको बुनियादी स्केल जो है 11 दिया गया। उसके बाद तलीमी कबलियत जो है वो कम अज़ कम बी ए, बी एस सी, मैट्रिक, एफ ए और बी ए, बी एस सी, कम अज़ कम सेकेंड बी ए नाम की एजुकेशन होनी चाहिए। उसके बाद फ्रेंड, उम्र की जो हद बताई गई है वो 22 से 30 साल है, कद 5 फुट 6 इंच है और छाती जो है 31x33 इंचेज आपकी दी गई है। नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है, इनको भी रीड करके मैं आपको बता देता हूँ आपकी मालूमात के लिए। दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि टेस्ट और इंटरव्यू के आने के लिए आने वालों को कोई TED नहीं दिया जाएगा, कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, अपने अपने पैसे पर टेस्ट और इंटरव्यू के लिए आना है। और टेस्ट इंटरव्यू के लिए आने के लिए आपको कौन से दस्तावेजात और डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लाने हैं, उनमें असल तलीमी इस्नाद और डोमिसाल और उनकी 2 अदर फोटोकॉपी भी अपने साथ आपने रखनी है। असल कंप्यूटराइज कमिश्नरी कार्ड और उसकी 2 कापियां अपने साथ लेके आनी है और 4 अदर जो हालिया आपके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हैं उनको भी अपने साथ लेके आना है। आपको दौड़ाया जाएगा, 1 माइल की रनिंग आपकी होगी, उसके लिए अपने PT शूज भी अपने साथ लेके आने हैं और 3 टेस्ट के लिए कलम और इम्तिहानी गत्ता भी साथ ले आए। उसके बाद बताया गया कि आपकी उम्र की जो हद है वो 30 सितंबर 2021 को 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे बताया गया कि भर्ती के लिए पूरे पाकिस्तान के अफराद रिज्यू कर सकते हैं, पूरे पाकिस्तान के अफराद खुददार में जाके वहां पे भर्ती कर सकते हैं। नीचे ये एड्रेस दिया गया है और यहाँ पे टेलीफोन नंबर दिया गया है, इस टेलीफोन नंबर पे जाके भी आप मजीद तलीमात हासिल कर सकते हैं, मालूमात हासिल कर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये जो एक आर्टिकल लिखा गया है उसकी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, उस आर्टिकल को भी आप पढ़ सकते हैं, इस एडवर्टाइजमेंट को आप पढ़ सकते हैं। अगर मेरे बताने में कमी बेशी रह गई है तो यहाँ एडवर्टाइजमेंट में जाके आप इस जॉब की मुकम्मल तफसील हासिल करते हैं। दोस्तों, एक परमानेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है और जिन लोगों को जो है शोल्डर रैंक पसंद है और पाकिस्तान आर्मी एफसी में जाना चाहते हैं उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान में एफसी में जाके वहां पे एक परमानेंट जॉब जो अवेल कर सकें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जॉब, कैसी लगी आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। नेक्स्ट वीडियो तक आप लोग जाना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।